नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से तो पार चली गई है, लेकिन उसके बाद की चर्चाएं अभी बाकी हैं। कभी तपस्वी पुजारी, कौरव पांडव, आरएसएस, जीएसटी, अरबपति, इस तरह की बातें जब उछली हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि वो आरएसएस ज्वाइन करके देख लें कैसे काम होता है। इस बीच राहुल गांधी बड़ी तीखी टिप्पणी आरएसएस पर कर रहे हैं, तो वहीं उदाहरण कौरव पांडव तक के दिए जा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयानों में घिर गए हैं। कुरुक्षेत्र से अंबाला में एंट्री करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम तपस्वी हैं, पांडव भी तपस्वी थे। उन्होंने आरएसएस का नाम लिए बगैर कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर शाखा लगाते हैं, हिंदुस्तान के 2 से 3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। लेकिन बीजेपी भी हमेशा कांग्रेस को घेरने में कभी नहीं चूकती, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के आरएसएस वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी खुद कुछ दिन शाखा में जाएं, उन्हें तब पता चलेगा कि आरएसएस क्या है। आरएसएस को जाने बिना उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए, फिर वो आरएसएस के बारे में कुछ कहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के नेता कभी तपस्वी, कभी पुजारी और कभी कौरव पांडव पर सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आपको बता दें, राहुल गांधी का बयान चर्चा में है। राहुल गांधी ने कौरव पांडवों का जिक्र करते हुए और उन्हें कनेक्ट किया आज के मुद्दों से। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी जैसे विषय उठाए, डिमोनेटाइजेशन की बात की, तो वहीं दूसरी ओर उनके इस बयान पर बीजेपी बुरी तरह उखड़ गई है और बीजेपी के नेता राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। अनिल विज, हरियाणा के गृहमंत्री, ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें आरएसएस की शाखा ज्वाइन करनी चाहिए ताकि उन्हें पता लगे आरएसएस किस तरीके से काम करती है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस तरह की टिप्पणियां यहां पर हो रही हैं, और इन टिप्पणियों के मद्देनज़र हर ये जो राजनीति है इसे भी समझना होगा कि इसमें क्या कुछ फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इन बयानों के मायने क्या हैं। हालांकि यात्रा पंजाब में प्रवेश कर गई है, लेकिन फिलहाल जो राजनीति है वो थोड़ी अलग नजर आ रही है। केवल ढींगरा हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से हैं, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से रजवंत डनीवाल हैं। आप सभी का स्वागत है। वंदना पोपली, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी चर्चा ये जो रही, अब जब कौरव पांडवों तक की बात हो गई, तपस्वी पुजारियों तक की बात हो गई, इतने क्यों नाराज हो रहे हैं भाजपा के नेता कि उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि आरएसएस ज्वाइन करके देख लें एक बार राहुल गांधी? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी बात को बार बार रख रहे हैं, और आपने देखा तमाम समय में जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो उस समय में लगातार वो इस तरह की स्टेटमेंट देते रहे जो कहीं ना कहीं गले नहीं उतरती है। कभी तो सेना पे प्रश्न उठा देते हैं, कभी वीर सावरकर पर प्रश्न उठा देते हैं, और आज इन्होंने आरएसएस पे प्रश्न उठाया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वो किस तरह से बात करते हैं। आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि कौरवों की बात की उन्होंने, तो महाभारत हुई थी और महाभारत में एक युवराज थे, वो हम सभी जानते हैं, जिनको किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सत्ता चाहिए थी, सिंहासन चाहिए था। एक धृतराष्ट्र थे जिनको अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, यहाँ पर धृतराष्ट्र नहीं तो गांधारी है, और एक पितामह भीष्म भी थे जो बहुत ही योग्य थे, लेकिन क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते थे, तो युवराज के सारे तेवर सहन कर लेते थे, चाहे अध्यादेश पढ़ने की बात हो या कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर युवराज के लक्षण जो है, कौरवों के युवराज के लक्षण कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हम सबको मालूम है। लेकिन वरुण, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी के बारे में अगर कोई प्रश्न और उसका जवाब बड़ी गंभीरता से दे दिया जाए तो ये राहुल गांधी का अपमान होगा।
लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो इसका मैंने बड़ा गंभीरता से जवाब दे दिया। मैं तो इनसे यही पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, कृपया करके ये बता दीजिए, आप ये कह रहे कि पांडव जो है वो उन्होंने कभी जीएसटी लागू करी क्या, कभी उन्होंने नोटबंदी लागू करी क्या? तो आप सच ही कह रहे होंगे, आपकी दुकान वहां पर खुली हुई थी ना, मोहब्बत की दुकान पांडव काल में खुली हुई थी, तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता होगा। आप कहते हैं कि कौरव जो है निकल डाला करते थे, तो हो सकता है आप उनके साथ खेलते होंगे, तो मुझे लगता है वो इस युग के है ही नहीं है, ये उसी युग के थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गए हैं, इसलिए अपनी बात को रख देते हैं। मुझे लगता है, मुझे तो अभी लगता है कि ढींगरा जी भी किस प्रकार से इस बात को कहेंगे, हैरानी की बात है। अप्रूव करना पड़ता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उनको कैसे बचाते होंगे, तो आज उनकी तबीयत कैसी है ये भी जरूर पूछ लीजिएगा। सब ठीक ठाक है ना ढींगरा साहब? ये अनिल विज ने ये भी कहा कि यात्रा नहीं, 5-स्टार होटल ऑन व्हील है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि इस चर्चा में कौरव पांडव कहां से आ गए और पांडवों के समय में जीएसटी और ये सब बातें, मतलब जो भी चर्चा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं मुद्दे से भटक तो नहीं गया मामला? नहीं, बात यह है कि अनिल विज जी भटके हुए हैं, उनको बुखलाट में ये बात कह देते हैं। असल में इनका चेहरा जब सामने आता है, जब ये बीजेपी का जो जिस तरह से इन्होंने देश को अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को बांट दिया था, तो उस वो जब चेहरा सामने आता है तो इनकी बखलाहट आ जाती है, इनके इनके माइंड से वो ऐसे शब्द निकलते हैं। जहां तक राहुल गांधी जी ने बात की है वो तो बिल्कुल ठीक कही है। आप देखिए जिस तरीके से महाभारत में एक जो फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, महाभारत का जो किस्सा है, पूरी बात अगर इसको समझे ये, तो इनको सारी बात समझ में आ जाएगी कि इन लोगों ने क्या किया था। अंग्रेजों के साथ मिलकर जिसने देश के दो टुकड़े कर दिए, उन लोगों को आप क्या कहेंगे, उन लोगों को आप क्या मानेंगे, जिन लोगों ने जिन्ना के साथ मिल लिया और दूसरी तरफ जो वायसराय था लास्ट उसके साथ मिल लिया और उन आपस में उन लोगों से मिलकर हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। हमारे बीच में जो हम सभी लोग सभी धर्मों के सभी लोग इकट्ठे रहते थे, उनमें संघर्ष पैदा कर दिया, उनमें आपस में उमाद पैदा कर दिया, वो लोग वही कौरवों ने महाभारत के अंदर किया। ये वही सिस्टम है। इस बात की वो बात सीधी क्लैरिटी में कह रहे हैं कि जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था जिस तरीके से, इसी तरीके से हमारे देश में जितने धर्म के लोग बैठे हैं उन सभी धर्म के लोगों को लड़ाने का काम जो कर रही है वो ये वाली पार्टी कर रही है। और ये आरएसएस था उस समय, संघ था, और वो आरएसएस जो है यही काम उस समय कर रही थी, यही काम अब सत्ता में आने के बाद अब कर रही है। ठीक है, तो इसमें गलत बात नहीं है। ठीक है, जहां तक बौखलाहट है इनकी वो इसलिए है। ठीक है, एक बार बंदा बोलिए, आप जवाब दे दें भाई, आपकी बौखलाहट है, राहुल गांधी सही कह रहे हैं, उसके बाद मुझे दो और मेहमानों के पास जाना है। जी चलिए, केवल ढींगरा जी को आज जवाब देना पड़ रहा है तो मैं उनकी मजबूरी भी समझ सकती हूँ कि उन्होंने पूरी महाभारत की परिभाषा बदल दी। हालांकि मुझे इनकी आवाज कम सुनाई दे रही थी, लेकिन वरुण मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे ये सुनाई दिया कि उस समय में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे और कौरवों ने उन्माद पैदा कर दिया और आपस में उनकी लड़ाई करवा दी। तो मुझे लगता है कि अच्छा जी ठीक, मैं कह रही हूँ मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौरवों ने क्या किया था आप बताइए ना। अच्छा अब ये देखिए, ये है राहुल गांधी के सच्चे भक्त, बात हो रही है कौरवों पांडवों की, बात कर रहे हैं की, अब कैसे जस्टिफाई करेंगे राहुल गांधी को, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना। राहुल गांधी को जस्टिफाई करना ढूंढना ये मुश्किल करती है प्रवक्ताओं के लिए, रुकिए, अरे चर्चा ऐसे नहीं करिए ना, रनिंग कमेंट्री दोनों मत करिए, रुकिए। अच्छा दोनों रुक जाइए, केवल ढींगरा जी, वंदना पोपली, दो और मेहमान है, माफ कीजिए, दो और मेहमान है, उनको चर्चा में शामिल करना। ढींगरा जी रुकिए, ढींगरा जी, ढींगरा जी रुकिए, अच्छा दोनों रुकिए भाई, ढींगरा जी रुक जाइए, रुकिए, वंदना जी आप भी रुकिए। रजवन डनीवाल मुझे बताइए कि ये जो चर्चा कौरव पांडवों तक चली गई है, मूल मुद्दे से मामला भटक गया है क्या?
कि आज जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाकर आज ये बताओ महाभारत की कहां में लड़ाई में पहुंच गए। जाओ जो महाभारत ही अपने आप में हिंसा के परिचायक है और दोनों पार्टी अपने आप को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कौरव और कौन पांडव है। इनकी जो नीयत है दोनों पार्टियों की, दोनों की नीयत है वो तो अपने आप समझ में आ रही है कि कौन कौरव और कौन पांडव है। पांडव इनमें से कोई भी नहीं है, इनके कर्म अच्छे होते तो ये आज इस प्रकार के एग्जाम्पल देने की बात नहीं है। जनता के मुद्दे उठाओ आप, हमें पता चलेगा कि आप जनता के मुद्दे उठा रहे हो, जनता की समस्याओं को समाधान कराने के लिए जो अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आप अच्छे व्यक्ति हो, अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप कुछ भी करो, उससे जनता को कोई नहीं मिलने वाला। आप अपने आप को इस प्रकार के जो भ्रामक प्रचार या जो इस प्रकार की जो बेतुका बयानबाजी करके अगर आप कर रहे हो तो प्रदेश की सरकार और या हम ये कह सकते हैं विपक्ष, जो जनता के जो असल मुद्दे हैं उनका ध्यान सरकार और दोनों पार्टियां एक दूसरे जनता को किसी न किसी प्रकार से भ्रमित करके इस प्रकार के जो ये बयानबाजी कर रहे हैं ये गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आज राहुल जी ने अपनी यात्रा की है, हम उस चीज पर अगर चर्चा करें वो ठीक है कि राहुल जी ने अपनी यात्रा की, उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो जो महलों के जो राजकुमार चले जाते थे। चर्चा राहुल गांधी की यात्रा पर ही कर रहे हैं लगातार आप। राहुल गांधी ही ये कह दें कि जी वो कौरव उनके टाइम में जीएसटी उनके टाइम में ये, मैं वरुण जी मैं वही तो चीज कह रहा हूँ कि वो उनका काम क्या था, उनका काम यही तो था ना कि आज जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे, आप वहां तक सीमित रहते किसको कौरव बना रहे हो किसको पांडव बना रहे हो, ये चीज से कोई फायदा नहीं है ना कुछ मिलने वाला। हाँ एक चीज है कि अब राहुल जी चले गए हरियाणा से, हरियाणा में वही जो घमासान था कांग्रेस का वो अब दोबारा देखिए एक या दो दिन में नजर आ जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी आपको अगर नजर आएगा तो सियासी अखाड़ा में सबसे पहले चर्चा होगी, मैं वादा करता हूं। नहीं, मैं आपको इस चीज के लिए बिल्कुल दे रहा हूं क्योंकि इस चीज के लिए क्या है कि जो राहुल जी जो उनके कह के गए कि भाई मैं बैलेंस बना के गया हूँ, किसी तरह मैंने अपना जो काम करना था वो कर दिया, सरकार लाना आपका काम में है, लेकिन वो लोग वो किसी भी प्रकार से उनकी जो मनसा है वो ऐसी नहीं है कि किसी न किसी व्यक्ति को सम्मान दे, वो एक दूसरे को अपमान करके अपने निजी वर्चस्व की लड़ाई में। वैसे आज ये भी चीज देखिए कि जनता के मुद्दों को उन्होंने कितना उठाया इस यात्रा के मार्फत, अगर वो जनता के मुद्दों को अगर लेके आते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो चलते चलते एक ऐसी लड़ाई को जन्म दे गए जो काफी दिन तक चलेगी और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा मैं। राकेश बड़ाना, आप देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, हरियाणा में यात्रा आई, कांग्रेस बड़े उत्साहित थी, है भी, अभी भी है, लेकिन ये तो चर्चा कहीं और चली गई ना। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात को कि कोई कौरव की बात कर रहा है तो पांडव की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहे, चिकित्सा की कोई बात नहीं कर रहे, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहे, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहे। जिस तरीके से आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है, शिक्षा के नाम पे आज हरियाणा में 500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, आज आप चिकित्सा की बात करें प्राइवेट हॉस्पिटलों को इतनी तवज्जो दी जा रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ नहीं है। आज कौरव और पांडवों की बात करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप रोजगार की बात करें ना, बीजेपी वाले यहाँ बैठे हैं, रोजगार की आपने एक बार बात नहीं की, बेरोजगार चिकित्सा की आपने एक बार बात नहीं की। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब लोगों को ये भटका रहे हैं, लोगों को सीधी सीधी मुद्दों पे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आज बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है हरियाणा में। और रही बात कांग्रेस की तो लोगों को पता है, कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। जिस तरीके से आज देश में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे घबरा के चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे और कितने भी लोग हो, वो देश के लोगों को शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों से हटा के वो इस तरीके से कौरव और पांडव की बात करते हैं। और मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनमें मतलब कौन उनको शिक्षा देता है, कौन उनसे पूछता है कि जीएसटी की बात करते हैं वो, कौरवों ने जीएसटी के पांडवों ने के टाइम में जीएसटी की बात की उन्होंने लगाई, या नोटबंदी की बात करें। अरे भैया वो टाइम कौन सा था, आज का टाइम कौन सा है, आज की बात करें, आज बेरोजगारी की बात करें, आप अब शिक्षा की बात करें जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में हम सब लोग है बहुत तेजी से बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं, और हमने शिक्षा के नाम पे आज देश में पूरे दुनिया में अगर कहीं की कोई बात होती है तो वो दिल्ली की बात होती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस से भी और बीजेपी के लोगों से भी, कि आप शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, आप चिकित्सा की बात करें, आज देश के युवाओं का क्या हाल है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं हमारे जो युवा है, बेरोजगारी के नाम पे आज देश में तराई तराई। ठीक है राकेश जी, उसकी कोई बात करते नहीं है, तो कभी कौरव पे ले जाते, कभी पांडव पे ले जाते, कभी हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं। तो आप सिर्फ बेरोजगारी और चिकित्सा पे बात करें, जो
अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले अगर महत्व देंगे तो इन सब चीजों को देंगे। ठीक है, मैं ढींगरा साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए सभी अभी इनेलो भी कह रही थी कि बड़ा अच्छा किया यात्रा निकाली और एक तरह से मुद्दों को लेकर आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डिरेल हो गया है मामला, ये कहीं और ही बात छेड़ दी आपने या बीजेपी को फुल टॉस दे दिया ऐसा कह के कौरव पांडव। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा देश की यात्रा है, वो हरियाणा प्रदेश की यात्रा नहीं है, पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा। वो देश की यात्रा है और उसके देश में आज जो 8.5 साल में भाजपा ने और जब जो इनकी नीति है, जो पुराने टाइम से आरएसएस और भाजपा जुड़ी हुई है, ये उसके ऊपर भी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए क्या किया उस वो देश को बताने की जरूरत है। आज हमें सारा भाईचारा दोबारा वापस जोड़ने की जरूरत है, ये उसके ऊपर यात्रा है, ये हरियाणा की यात्रा नहीं है। और मुद्दों की जहां तक बात है तो मुद्दे तो बहुत बड़े हैं। पेट्रोल का मुद्दा है, क्रूड ऑयल का रेट कम हो रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, 60 रुपए तेल पेट्रोल का। मैं तो वही कह रहा हूँ ढींगरा जी, मुद्दे बहुत है तो इसमें कौरव पांडव की जरूरत नहीं थी ना, सारे विरोधी यही कह रहे हैं। बात है जो इस समय सुनिए, जो इस समय जीएसटी जो अनर्गल लगाई जा रही है, जो उसके ऊपर भी बात है। ठीक है, आ रहा हूँ। महंगाई बढ़ रही है, आटा दाल, बीजेपी तो चाहती है कि इस प्रकार की बातें करें, और बीजेपी ऐसे मौकों के साथ में रहती है। मैं तो कह रहा हूँ फुल टॉस तो नहीं दे दी, जिस तरह से बिल्कुल दे दी, जिस तरह से जनता का मुद्दा से ध्यान हटाने का काम दोनों पार्टियों ने कर दिया। जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ, ये भाईचारे को तोड़ने की निशानी है। गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल हुआ। डिंगरा साहब, आप जो बातें कह रहे हैं वो एक विषय है। सुन लीजिए ना वरुण जी ऐसे ना करें। पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख हुआ, ये किसने किया? ये 8.5 साल के अंदर मोदी की सरकार। हाँ, जवाब जवाब, ठीक है, वंदना पोपली जवाब देना चाह रही है। ठीक है ठीक है, वंदना पोपली जवाब दे रही है। किरण डिंगरा जी, अब आपकी बात होगी, कृपया करके मेरी बीच में ना बोले, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हालांकि आप मानेंगे नहीं। चलिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर कहा कि पेट्रोल के जो रेट हैं उस पर बातचीत नहीं होती, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपके जयराम रमेश जी हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही आपने 3 रुपए पेट्रोल के रेट कैसे बढ़ा दिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जयराम रमेश जी ने, हमसे मत पूछिए, मुख्यमंत्री से जाके पूछिए। तो सच में आपकी देश की यात्रा है, दुनिया हर तरह के बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, केवल डिंगरा बीच में नहीं, 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 बीच में नहीं। अच्छा, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, वो पेट्रोल के नहीं डीजल के दाम थे। रुक जाइए और वंदना को कंटिन्यू करने दीजिए, एक मिनट। पेट्रोल डीजल तो चलिए रुकिए, दीजिए मंत्री से पूछिए। जयराम रमेश ने कहा ना कि हमसे मत पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए, ये तो कहा उन्होंने। उसको तो आप मानेंगे ना कि राहुल गांधी सिर्फ वही बातों का जवाब देंगे जिसमें उनको बेनिफिट है, वो इस बात का जवाब नहीं देंगे जहाँ पे उनको नुकसान होता है। दूसरी बात, प्रवक्ता है और इनेलो के प्रवक्ता है, वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो जा रही है गौरवों की तरफ। मुझे लगता है कि और आज रखी गई है तो उसका जवाब तो मिलेगा ना, हमारे किसी लीडर ने बात नहीं उठाई यहाँ पर, लेकिन आम आदमी पार्टी डिंगरा जी आ रहा हूँ आपके बारे में, कंप्लीट करने दीजिए वंदना को, इनको कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर। मैं ऐसे तो कंप्लीट करिए जी जी। यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि शिक्षा की बात नहीं होती, ये बोलते हैं कि स्वास्थ्य की बात नहीं होती, तो शिक्षा की बात मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपके पंजाब में आपकी सरकार आई है, तो पंजाब में सरकार आने के बाद टीचर्स के लिए सैलरी नहीं है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी और 19 करोड़ के विज्ञापन दिए गए, 25 लाख टीचर्स को दिए गए तो उसका 144 करोड़ का इवेंट मैनेजमेंट कर दिया। ऐसी शिक्षा तो हम नहीं दे सकते भाई, ये हमारे बस की नहीं है कि हम पैसे खर्च किए जाएं, लोगों को जो बेनिफिट मिलना वो नहीं मिले, सैलरी नहीं मिले, तो ये काम आप ही कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे पे आते हुए मैं बोलती हूँ कि इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं मुद्दे भटकाने की ही बात है, क्योंकि राहुल गांधी को कोई और बात करनी नहीं आती है। वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो पुजारियों का देश नहीं है, तपस्वियों का देश है। भाई आप कौन सी तपस्या कर रही है, सारे कह रहे तपस्वी है राहुल गांधी। ये तपस्या अभी याद आई, जब सत्ता में थे तभी याद नहीं आई, उससे पहले कौन सी तपस्या करी? और जो 6-6 महीने में विदेश में भाग जाते थे वो तपस्या कौन बताएगा? राहुल गांधी के लिए माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के लिए कपड़े पैरिस तो धुलकर आते थे, वो तपस्या कौन बताएगा?
उनके सिगरेट के लिए हवाई जहाज उड़ा करते थे वो कौन बताएगा? बहुत पीछे तो पुजारियों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो क्यों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस पिच पर, सही बात है आपकी, जिस पिच पर ये खेलना चाहते हैं पीछे के लोग है ठीक है, वंदना कंप्लीट करिए, राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं बारी बारी आऊंगा। रजवंत मुझे ये बताएं, ये तो ये जो अभी चल रहा है मुझे लग रहा है कि बस इसी अवसर की तलाश थी और वो हो गया। नहीं, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ इसके, तो बीजेपी तो चाहिए ऐसी चीज रही है, जैसे अभी एक डिबेट चल रही थी उसी चीज पे सरपंचों का जो प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए, सरकार खुद से चाहती है इस चीज के लिए कि कोई ना कोई आदमी आए और हम उसको मोहरा बनाकर उसके कंधों पर बंदूक रखकर चलाएं। सरपंच काम कराएंगे नहीं, और वो कहेंगे गांव वालों से कहेंगे कि भाई आपके सरपंच काम नहीं करा रहे, ऐसे यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर कौरव और पांडव का यहाँ पर एक ऐसा सबूखा छोड़ गए और उसके बाद अब ये इससे कई दिन तक चलते रहेंगे, होना जाना कुछ भी नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जो आज चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा का मुद्दा हो, उन मुद्दों को कैश करना चाहिए और कैश करने के बजाय उस पर काम करना चाहिए। ये कागजों में पूरा काम रखते हैं, अपना उम्र पूरा लेके आते हैं, इनका आज तक यही रिकॉर्ड रहा है कि कागजों में इन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई दिखा दी, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं मिलती। 2024 आने वाला है, आप उसकी तैयारियां कर लीजिए, हो सकता है आपको जवाब जनता जवाब देगी आपको, लेकिन आप अगर तैयारी करोगे तो शायद बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हम चाहते हैं, हम यही चाह रहे हैं कि कम से कम जनता ने आपको इस लायक बनाया है, तो आप उनको काम के काम में ले जाएंगे, ये जनता है जवाब देना, तो आप जनता के काम कराएं, लेकिन आप काम नहीं कराए, आप केवल एक ही सीट है आपकी, भूलिए मत इसको, अपने कर्मों को याद कर लीजिए, ऐसे आपके कौन से कर्म थे जिसकी वजह से आप आज इस स्थिति में है, जनता के साथ क्या बुरा हाल किया था, सबको मालूम है, जो भी रुकिए भाई, दोनों रुकिए, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये सोचिए कि आप किसी के लिए नहीं कुछ कर पा रहे, आप जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रुकिए राकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम ये कहें कि आज के टाइम में ये कौरव है ये पांडव है, जनता को मतलब जनता तक ये बात पहुंचती है क्या? इससे वाकई मुद्दा एड्रेस हो पाता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वंदना जी है बीजेपी की प्रवक्ता, उनके लिए उन्हें बता दूं कि पंजाब के भी ये बात कर रहे थे, पंजाब में सैलरी नहीं है। हाँ, ये बात अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, 3-3 महीने के एडवांस वहां हम सैलरी दे चुके हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दे, और जो हमने वहां वादे किए थे 1 जुलाई से वहां पे जितनी भी हमने जो 200 यूनिट फ्री की बात की थी हमने वहां पूरी की है। रही बात दिल्ली की, आपने दिल्ली की बात करी, अब दिल्ली आपके हाथ से जा चुकी है, इसलिए आपको उस बात का बहुत दुख है, क्योंकि नगर निगम में जिस तरीके से आपके साथ आपने सोचा कि नगर निगम हमारी सरकार बन जाएगी, सुनना सीखे पहले, जिन झूठों को आप बोलते हो झूठों को सुनना सीखे। मैं आप वंदना जी पहले जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को सुने, दिल्ली में हमारी पूरी बहुमत से, पहले सुनिए, दिल्ली में पूरे बहुमत से हमारी नगर निगम आई है, उसमें भी आप नेता आते हैं कि और उसमें पहले सुनिए, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, मुझे पता है, पहले सुनिए। आज फरीदाबाद और हरियाणा की बात करें, 200 करोड़ का घोटाला आज हरियाणा में आपने किया, एक भी उसमें एफआईआर दर्ज नहीं, आज हरियाणा में एक भी विकास नहीं है, आज दिन हरियाणा देश के, आप लोगों ने हरियाणा को शर्मिंदा कर दिया, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है, आज हरियाणा में अगर बात करें तो शिक्षा की अगर बात करें तो 500 स्कूल सरकारी बंद कर दिए। आपको एक एक करके बात रखिए, दोनों रुक जाइए, हरियाणा की जनता तक बात पहुंचती नहीं है, ऐसे दोनों रुकिए भाई। अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो ठीक है, नंबर वन पे आते हैं, आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, यहाँ बैठ रहे और आप झूठ बोल रहे। ठीक है राकेश जी, मैं ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए वो स्मार्ट सिटी, कहाँ गए वो? अरे सर, विषय कुछ और है राकेश जी, राकेश भाई विषय कुछ और है, आप कहीं और जा रहे, रुकिए ना। नहीं, मैं इनकी बात पंजाब और हरियाणा, रुकिए। केवल ढिंगरा जी, राहुल गांधी की यात्रा थी, यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर जाने की और है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ठीक था, इसे कौरव वर्सेस पांडव बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, बीजेपी के कहने के अर्थ पे तो जाती नहीं, उस पे तो बात नहीं करती कि उसका अर्थ क्या है, शुरू करके शुरू से काट लो,
बीच से काट लो, लास्ट में से जाके काट लो, ऐसे बयानों को काटने के बाद उसके बाद कुछ भी मिले फिर उसको ट्रोल करो, फिर उसको ट्रोल करके उसको उसके ऊपर डिबेट करो, फिर डिबेट करके उसके ऊपर चर्चा में लाओ। ये मुद्दा है बीजेपी का, इनेलो वाले सहयोगी भी, अरे रुकिए राकेश भाई रुकिए, इनेलो वाले सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि आपने बेवजह फुल टॉस दे दी बीजेपी को। और असली बात क्या मुद्दा है कि आपके ऊपर जाना ही नहीं इन्होंने, असली मुद्दा क्या है कि इन लोगों ने राकेश जी रुकिए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भेद पैदा कर दिया, धर्म और जातियों ने तोड़ दिया, वो भी राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं और सारे मुद्दे भी यही है। लेकिन इनका काम ये है कि उसको आपने किया, हम करते हैं तो हम करते हैं मुस्लिम, हम करते हैं सिख, हम करते हैं ईसाई, आप सब पहला पर काट काट दो, सुनो सुनो, एक ही कम्युनिटी की राजनीति करते हैं। हरियाणा में सबसे पहले यात्रा कहां से शुरू हुई, मैं बात यहां से काटता हूं, अभी एक अपनी इच्छा शक्ति क्या है ये बताकर कि ये क्या किस तरह देखते हैं। अरे आप ये बता दीजिए, आप कहते हैं कि ये पुजारियों का देश नहीं है, आप ये कहते हैं कि भारत जो है वो पुजारियों का देश नहीं है, तो किसका है, मौलवियों का है जिसके लिए मदरसे भी है, वक्फ बोर्ड और मतलब क्या है, देश से क्या मतलब है इन लोगों को, इनको देश की जनता से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, देश के मुद्दों से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, रजवंत कुछ कहना चाह रहे हैं, रजवंत इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं भाई, ढिंगरा जी रजवंत जी, रजवंत कुछ कहना चाह रहे हैं, ढिंगरा जी एक मिनट रजवंत कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए यात्रा कांग्रेस की यात्रा आई थी और कांग्रेस कह रही है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आज हरियाणा में कितना मतलब, अगर इनको कुछ करना ही होता तो इनके मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं और वो आरोप लगने के बाद उस मुद्दे को उठाना चाहिए था, ताकि एक बेटी को न्याय मिलने में कहीं उनका सहयोग करते, उसको मुद्दे को नहीं उठा रहे। जहाँ पर इनके पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, सरपंच उसके विरोध में है, उनके मुद्दे को उठाना चाहिए था, उसको नहीं उठा रहे। यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी का मामले है, प्रॉपर्टी आईडी का मामले कमल गुप्ता जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनको किसी रजवंत भाई केवल ढींगरा ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हरियाणा की यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी मैं कह रहा हूँ हरियाणा की बात करेंगे तो क्या देखता। लेकिन इनको यही चीज देखिए, इन्होंने केवल, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ और केवल जी की बात से भी स्पष्ट हो गया कि इस यात्रा से राहुल जी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई मैं चल सकता हूँ, मैं जो राजकुमार मेरे को बोलते थे कि राजकुमार सड़कों पर आ गया, वो बात को लोगों को झुठला दिया। लेकिन जो हरियाणा की जो एकता के बारे में जो बात कर रहे थे उससे उसको कहीं ठीक नहीं कर पाए। वो हाँ ये भी मानते हैं कि हरियाणा के नेता भी नहीं चाहते कि हम एकजुट हो, वो सरकार भी नहीं बनाना चाहते किसी प्रकार के, वो जनता के मुद्दे भी नहीं उठाना चाहते। अंत में क्योंकि अब चलते चलते 30 सेकंड लीजिए वंदना, जल्दी से अपनी बात करिए। देखिए जिस तरह की स्टेटमेंट की बात हो रही है, आज पंजाब में भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि जो भाजपा के लोग हैं वो नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। ये कहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये पंजाब में स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां पर 1984 में जो दंगे हुए थे उसके जिम्मेवार कौन है, सिखों के जो जख्म है अभी भरे नहीं है वो अभी हरे हैं, और वहां पर जाकर कह रहे हैं कि भाजपा हिंसा फैलाती है। राजीव गांधी क्या हमारी सरकार में थे, क्या भाजपा के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि अगर बड़ा पेड़ कटता है तो धरती है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय खत्म हो गया मेरे पास, वो लोग भूखे नहीं है। ये कट कॉपी पेस्ट की सरकार है बीजेपी सरकार, इन्होंने कहां से आप चौथी बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, कहां से वो करना ये इनका काम है, और ये कट कॉपी पेस्ट की सरकार चला रहे हैं और कुछ नहीं है, इनको देश के मुद्दों से देश की जनता से कुछ नहीं लेना। चलते चलते चर्चा में, इनका काम जब ये चर्चा कौरव पांडव पे गई है तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आ गई, कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर फैला शकुनी का कूट जाल है, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने रंग को तो रोना है। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौरव पांडव तक बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई यहां पहुंची है, देखना यह है कि आगे और कौन कौन से मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।